गढ़वाल के मेन बाजार में भारतीय सेना के 20 शहीद जवानों को चीन राख के राष्ट्रपति का पुतला जलाकर श्रद्धांजलि दी। कैमरामैन प्रदीप कुमार के साथ अखिल पंगोत्रा की रिपोर्ट। कटड़ा, बीते दिनों लद्दाख के गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हुई खूनी झड़प में शहीद हुए भारतीय सैनिकों को कटड़ा में भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा के सदस्यों ने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के जिला रियासी प्रधान पिंकी शर्मा, उप प्रधान कामिनी शर्मा, सदस्य मधु शर्मा आदि ने 2 मिनट का मौन धारण कर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा, अगर चीन ने भारत की 1 इंच भी भूमि पर आगे बढ़ने की कोशिश की तो उसको करारा जवाब मिलेगा। मैं मधु, कटरा महिला मोर्चा के एक सदस्य, यहाँ पे आज अपनी तरफ से भव्यपूर्ण श्रद्धांजलि अपने सैनिकों को देना चाहती हूँ। चीन की कायराना हरकत देख के जो गलवान में हुई है, हम अपने भारतीय सेना के साथ, अपने प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिला के उनका सहयोग देंगे। मैं पिंकी शर्मा, रियासी जिला की महिला मोर्चा के प्रधान। आज हमने जो हमारे वीर सैनिक लद्दाख के गलवान वैली में शहीद हुए हैं, आज हम सभी बहनों ने उनको श्रद्धांजलि दी है। ये चीन की बहुत ही कायराना हरकत है जो उन्होंने हमारे जवानों के साथ किया है। बिलावर उपजिला तहसील रामकोट का गुड़ा कल्याल, यहाँ पर आज यहाँ के स्थानीय युवाओं और माछवंडी जागरण कमेटी के सदस्यों ने, जिनमें मिथुल गुप्ता, निर्मल सिंह, अर्जुन शर्मा, चंचल सिंह कपिल, गणेश आदि सभी लोगों ने इकट्ठा होकर जो भारत के वीर जवान शहीद हो गए उनको याद किया, उनको नमन करके एक संदेश दिया। वीर जवानों की शहादत का बदला हमें चाहिए और हम चीन से आने वाले हर उत्पाद का बहिष्कार करेंगे। राजौरी के सीमावर्ती गांव में लोगों ने चीन का पुतला जलाया और शहीद जवानों की शहादत का बदला लेने से सरकार से अपील की। ये जो आज यहां पर किसान मोर्चा की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और बाकी जो हमारे विभिन्न दलों के लोग हैं, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, सब ने आज यहां पर रोष व्यक्त किया है चाइना के खिलाफ। चाइना ने जो हरकत की है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। हमारे निहत्थे सिपाहियों के ऊपर उसने ये वार किया है और इसका मुंह तोड़ जवाब उसे मिलेगा। प्रधानमंत्री जी ने कल शाम को कड़ा संदेश दिया है और हमें प्रधानमंत्री जी के ऊपर पूरा भरोसा होना चाहिए और हमें मोदी जी पर पूरा भरोसा है। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के सदस्यों ने वीरवार को सिंबल कैंप क्षेत्र में चीन के खिलाफ जोरदार तरीके के साथ प्रदर्शन किया और चीन का पुतला जलाया। इस मौके पर प्रदर्शन की अध्यक्षता कर रहे अल्पसंख्यक मोर्चा के आरएसपुरा जिला प्रधान सरदार संतोष सिंह ने कहा कि चीन ने जो कायरतापूर्ण घटना को अंजाम दी उसकी कीमत चीन चुकानी ही पड़ेगी। चाइना ने धोखे से वार किया, जो भी व्यक्ति या जो भी देश धोखे से किसी को मारेगा उसकी शक्ति खत्म हो जाएगी और चाइना की शक्ति खत्म हो जाएगी, क्योंकि उसने छल किया है, झूठ किया है, हम इसका विरोध करते हैं। और पीएम मोदी इसके साथ हैं और हम उन जवानों के परिवारों के साथ हैं जिन्होंने वहां पर अपनी बलिदान देके अपनी सीमा की सुरक्षा की है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रोमेश खजूरिया ने चीन द्वारा भारतीय सैनिक के खिलाफ की गई कायरतापूर्ण घटना की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहा कि भारतीय सेना चीन को जवाब देने में पूरी तरह से सक्षम है और चीन को जल्द करारा जवाब दिया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष मिशन मोदी अगेन पीएम, ये जो चाइना ने कायराना हरकत करी है बॉर्डर पे हमारे जवानों के साथ, जो उसने कायराना हरकत की है, इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं और ये साफ तौर पे जो वर्ल्ड कम्युनिटी है उसको बताना चाहते हैं या चाइना को बताना चाहते हैं कि ये आज का हिंदुस्तान जो है ये मोदी का हिंदुस्तान है, ये 1962 वाला हिंदुस्तान नहीं है। और हमारी जो सेना जो है वो पूरी तरह से सक्षम है बॉर्डर पे उसका जवाब देने के लिए, अपनी सीमाओं की रक्षा करने के लिए, चाहे वो हिमालय पर्वत हो, चाहे वो समुद्र हो, चाहे वो रेगिस्तान हो, और देश का एक एक नागरिक जो है वो सेना के साथ है। मजदूर दस्तकार यूनियन ने जम्मू प्रशासन पर आरोप लगाया कि राह वितरित करते समय जम्मू के मजदूर को नजरअंदाज किया जा रहा और बाहर के मजदूरों को ही राशन दिया जा रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, जेके खबर नाउ। आज हम यहां पर इकट्ठे हुए हैं, आज हम सरकार से अपील करते हैं और पहले भी करते आए हैं, मजदूर दस्तकार यूनियन के माध्यम से हमें एक बहुत बड़ा रोष है कि जम्मू कश्मीर में, खासकर जम्मू डिस्ट्रिक्ट में, जम्मू जो अर्बन एरिया है, अपना सिटी एरिया है, जहां पर एक बहुत बेइंसाफी की जा रही है, राशन वितरित करते समय
जहाँ के जो जम्मू कश्मीर का जो मजदूर है उसको राशन नहीं दिया जा रहा और जो बाहरी मजदूर है उनको राशन वितरित किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता चौधरी मोहन सिंह ने आज वारिसपुरा में पत्रकार वार्ता का आयोजन कर केंद्र सरकार से मांग की कि चीन ने जो भारतीय सैनिकों के खिलाफ कायरतापूर्वक घटना को अंजाम दिया उसका जल्द से जल्द बदला लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण इस तरह की घटनाएं पेश आ रही हैं जिसका जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देने की जरूरत है। दो दिन पहले चाइना ने एक हमारे देश के साथ विश्वासघात किया है, जो हमारे निहत्थे फौजियों पे अटैक किया, हमारे नौजवान नजायज मारे गए, बहुत दुख की बात है। मैं उन अपने शहीदों को साक्षात नमन करता हूँ और परमपिता परमात्मा से दुआ करता हूँ कि उनकी रूह को शांति दे और पीछे जो उनका परिवार है उनको जो गम सहने की शक्ति दे। उसके बाद ये ऐसा बदमाश मुल्क है, बहुत ही इसने गंदी हरकत की है, कायरा हरकत, ये बुझ देने वाला काम है। कोई भी आर्मी वाले ऐसे अटैक नहीं करते, 100 पे मार दो, एक तरफ आप सुलह कर रहे हो दूसरी तरफ आप अटैक कर रहे हो, ये बहुत ही निंदनीय घटना है। मैं उसकी बहुत निंदा, कड़ी शब्दों में निंदा करता हूँ चाइना की। टीआरसी सुरनकोट के 4 लोगों को आज क्वारंटीन से घर भेजा गया। इस मौके पर प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। माड़ा कराना वाला हूँ और यहाँ पे कोरोना टाइम में हम यहाँ रेस्टोरेंट में जो रुके हैं अच्छी फैसिलिटी मिली है, स्टाफ अच्छा है, यहाँ का इंतज़ामिया बहुत अच्छा है। बीएमओ साहब और जो भी खुर्शीद भट्ट साहब नायब जो भी तहसीलदार एसडीएम साहब, इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमारे यहाँ पे हर फैसिलिटी अच्छी दी है। तो इधर हम रह रहे थे क्वारंटीन में, तो अभी हमारा इधर रहते थे तो अभी अब हमारा टेस्ट सही आ गया तो अब हम घर में जा रहे हैं। आपका शुक्रिया अदा करते हैं, बहुत अच्छा दिया जी, बहुत अच्छा खाना दिया और सब हमको बहुत अच्छा दिया। तो बड़ी खुशखबरी आई है कि 4 हमारे लोग और जो है वो उनके दोनों टेस्ट जो थे प्रोटोकॉल के हिसाब से वो नेगेटिव आए हैं और वो फुली रिकवर्ड हो गए हैं। उनके एक्सरे वगैरह भी हेल्थ वालों ने ले लिए और उनको आज हम यहाँ से छोड़ रहे हैं। यहाँ टीआरसी में हमारे पास 19 थे टोटल जिनका पॉजिटिव थे, तो उनमें से 14 लोग घर जा चुके हैं। तो अल्लाह का शुक्र है और एडमिनिस्ट्रेशन डीसी साहब का या एसडीएम साहब का, सबका एक बड़ा अच्छा कॉपरेशन और स्पेशली हेल्थ वालों का कि उन्होंने बड़ा बढ़ चढ़ के इसको अपनी ड्यूटी को अच्छे तरीके से अंजाम दिया है और इन लोगों के साथ बड़ा अच्छा सलूक रहा है। जैसा ये लोगों का अपनी जुबानी भी है कि यहाँ पर हेल्थ वालों ने बहुत मेहनत की है। आज कठुआ मेन बाजार चौक के युवाओं ने चीन के खिलाफ नारेबाजी की व उनके राष्ट्रपति के पुतले बाजार में लटकाए। इस मौके पर युवा नेता पंकज शर्मा उपस्थित थे। आज बाजार के युवाओं ने एक स्टेप लिया जिसमें उन्होंने जितने भी अपने चाइनीज ऐप्स थे वो डिलीट किए और कम से कम 10-20 हज़ार का सामान भी जो है हमने सबने कुछ कुछ दुकानों से निकाल के खड्ड में फेंका जो चाइनीज सामान था, कि एक मैसेज जाए लोगों में कि चाइनीज सामान का कम इस्तेमाल करें, क्योंकि चाइना हमारे देश में बड़ा बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा बाजार बना चुका है, हर दुकान के अंदर उनका सामान है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के सदस्यों ने युवा अध्यक्ष गौरव शर्मा की अध्यक्षता में चीन की सीमा पर हुए शहीदों को श्रद्धांजलि दी। मैं गौरव शर्मा, जिला युवा मोर्चा कठुआ अध्यक्ष। जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस वक्त पूरा देश शोक में है क्योंकि चाइना के सैनिकों द्वारा गलवान वैली में भारतीय जवानों पर चोरी से हमला किया गया और हमारे 20 जवान जो शहीद हुए हैं उनकी शहादत हुई है। और मैं उन परिवारों को नमन करता हूं जिनके नौजवान साथी जो हमारे देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए हैं। RJ&K रूरल बैंक हॉल एसोसिएशन की ओर से एसोसिएशन के राज्य प्रधान गुरबचन सिंह की अध्यक्षता में मीरा साहिब में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया जिसमें जम्मू कश्मीर सरकार से मांग कर कहा गया कि वेंकट हॉल एसोसिएशन को स्पेशल आर्थिक पैकेज दिया जाए ताकि वह लॉकडाउन की मार से उभर सके। प्रधान गुरबचन सिंह ने पत्रकारों से कहा कि जिलाधीश जम्मू की ओर से कोरोना महामारी को देखते हुए लगे लॉकडाउन के दौरान वेंकट वालों को बंद करने के निर्देश दिए थे जो कि उन्होंने पूरी तरह से माने और हॉल को बंद रखा। तो हमें अफसोस की बात यह है कि गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल पैकेज अनाउंस किया लेकिन बैंक्वेट हॉल्स को बंद करने के लिए उन्होंने ज़रूर ऑर्डर किया, लेकिन जब फाइनेंशियल पैकेज की बारी आई तो इसको बिल्कुल इग्नोर किया गया और आज तक बैंक्वेट हॉल्स जो हैं
वो उसी हालत में है कि बंद के बंद पड़े हुए हैं। सर आप सरकार से क्या मांग करते हैं? हमारी सरकार से यही मांग है कि एक सूटेबल पैकेज, स्पेशली स्पेशल बैंक्वेट हॉल्स के जो लोग सफरत हैं, जिन पर बैंक लाइबिलिटीज़ हैं, हमारे इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स पेंडिंग पड़े हुए हैं, और इसके लिए एक स्पेशल पैकेज दिया जाए ताकि ये पूर इंडस्ट्री जो है इसको सर्वाइव रखा जा सके। जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद देश। आज दीपक चौक हीरानगर में सभी समाज सेवकों की तरफ से चाइना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, चाइना का पुतला जलाया गया, चीन के खिलाफ नारेबाजी की गई। प्रदर्शन की अगुवाई में रमेश कुंडल ने करते हुए कहा कि एलएसी पर जो हमारे जवान खोए हैं उनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करती है। दुख की इस घड़ी में पूरा देश आपके साथ खड़ा है। चाइना भारत को कदाचित कम समझने की भूल ना करे। हमारी सेना किसी भी देश की सेना को धूल चटाने में सक्षम है। इंडिया का एक एक शख्स मरने मारने के लिए नहीं डरता है, इसलिए इंडिया की तरफ अगर एक आंख उठाकर देखोगे तो तेरी दोनों आंखें नोच ली जाएंगी, क्योंकि हम भारतवासी हैं, हम शांति प्रिय लोग हैं, हम शांति चाहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी ऐरा गहरा इधर आकर हमारे फौजी भाइयों पर या हमारे किसी साथी पर हमला कर दे और भारत चुप रहेगा। आज का ये प्रदर्शन हमने चीन की कायराना हरकत को देखते हुए किया है। सबसे पहले हम अपने वीर नौजवानों को जिन्होंने शहादत पाई है एलएसी पर, उनको नमन करते हैं और उनकी फैमिलीज के प्रति गहरी संवेदना भी व्यक्त करते हैं। चाइना को हम आज हीरानगर के इस मंच से यह चेतावनी देना चाहते हैं कि चाइना सुधर जाओ तो अच्छा रहेगा, अन्यथा ये जो छोटी छोटी खुलने वाली आंखें हैं ये सदा के लिए बंद हो जाएंगी। आज चन्नौरन में जम्मू कश्मीर यूथ कांग्रेस के महासचिव चौधरी दलवीर सिंह सेठी ने आवाम प्रोग्राम एनजीओ जम्मू कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष के आर रैना चाइना का झंडा चलाया और रोष प्रकट किया, जिसमें उन्होंने प्रदर्शन के बाद लोगों से आह्वान किया कि चाइना के सामान चाइना चीज ना खरीदे, इसका संपूर्ण तरीके से बहिष्कार किया जाए। जो हमारे सेना के 20 जवान शहीद हुए उनके परिवारों के प्रति संवेदना जताई और सरकार से मांग की इन सभी भी शहादत का बदला लिया जाए। उन्होंने भारतीय सरकार से मांग की सेना के हाथ खोल दिए जाए, क्योंकि हिंदुस्तान किसी भी देश की गिदड़ भभकी से नहीं डरने वाला है। सांबा जिले ब्लॉक सुंब की गांव जिद हुंडेट के लोग पी रहे वासंतर का पानी। 20 साल से बने डिस्पेंसरी खंबल के ताबिल कोई सूद नहीं ले रहा इन लोगों की। अर्शपाल सिंह जी, जीड का रहने वाला मैं, तो साड़ी समस्या बाकी यह लगा दी कि सारे लब्भा दी कि रस्ते की बड़ी प्रॉब्लम है बड़ी। दूए नंबर पानी की असें बहुत समस्या, ये तो अं पानी जोड़ा पी जाने इतने डंगर भी हैं लोगों के पीते हैं, तो बाकी लेकिन आने जाने की अं सुविधा कोई नहीं है, लेकिन पानी की तो अहें बिल्कुल इन्नी किल्लत है ना कि हद कोलों ज़्यादा जो अस पानी इस टाइम बड़ा गंदा पी जाने लोग। मेरा नाम बाग सिंह है, मैं जहाँ का वार्ड पंच हूँ, वार्ड नंबर 4 जीड़ पंचायत हल्का कारड़ और ब्लॉक हमारा सुंभ पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट सांबा में पड़ता है ब्लॉक सुंभ, और हम जीड़ ब्लॉक के मैं पंच हूँ। हम लोग जहाँ सदियों से रह रहे हैं, हमारे पूर्वज जो भी रह रहे हैं, और आज की जो प्रेजेंट अगर सिचुएशन देखी जाए तो जहाँ हमारे को शायद गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की गई है, ना रोड कनेक्टिविटी है, ना कोई पानी की फैसिलिटी है, और तो और आज मोबाइल का ज़माना है, मोबाइल का युग चल रहा है, जहाँ मोबाइल की भी लोकेशन पे ही कोई सिग्नल आता है, अदरवाइज ऐसे देखो आम इसमें कोई मोबाइल सिग्नल कनेक्टिविटी नहीं है। चीन ने लद्दाख की गलवान नदी में भारतीय जमीन पर कब्जा करने के लिए धोखे से 20 भारतीय जाबाजों की हत्या की। आज हिंदू जागरण मंचुला सुंदरबरी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुतला फूंकते हुए चीन विरोधी नारे लगाए। हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने चीन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते भारतीय सेना के हौसला अफजाई के लिए बुलंद आवाज में जिंदाबाद के नारे लगाए। अनिल घग्याल की खास रिपोर्ट। जय श्री राम, भारत माता की जय। मैं हिंदू जागरण मंच जिला अध्यक्ष राकेश शर्मा, आज गलवान में हुए चीन की बेतुका हरकत ने जो हमारे सैनिकों को शहीद किया है, गलवान में 20 भारतीय सैनिक मारे गए कर्नल समेत, इससे पहले भी चीन भारत की सरहद के अंदर आने की लगातार कोशिश करता रहा है, लेकिन भारत ने उसका जवाब
अपनी आंदोलनात्मक नीति के साथ जो है दिया है और देता रहा है, लेकिन हम भारत सरकार से ये अपेक्षा करते हैं कि वह चीन को दो टूक जवाब दे, देश की जनता उनके साथ में भारत प्रेसिडेंट व्यापार मंडल सुंदरबनी बस स्टैंड से हम चाइना जैसे कायर देश की निंदा करते हैं और कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, और रहा सामान का चाइनीज सामान का, तो हम जितना हमसे होगा हम इनका जी भर के बहिष्कार करेंगे सामान का। दो मिनट का मौन धारण कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। ब्लॉक समिति के चेयरमैन विजय टागोत्रा ने व्यापार मंडल गगवाल के साथ गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए भारतीय सैनिकों को नमन किया। कैमरामैन प्रदीप कुमार के साथ अखिल पंगोत्रा की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के आरएसपुरा जिला प्रवक्ता राजीव गुप्ता की अध्यक्षता में वीरवार को अरनिया क्षेत्र में चीन के खिलाफ जोरदार तरीके के साथ प्रदर्शन किया गया। नायब तहसीलदार सूरनकोट ने कई जगहों पर दौरा किया और आम लोगों से सरकार द्वारा निर्देश का पालन करने की अपील की। आकाश मलिक की रिपोर्ट। सबकी डायरेक्शन है कि जो रैंडम सैंपलिंग जो इसमें किराना शॉप्स हो गई, पोल्ट्री हो गए, बुचर्स हो गए, तो उसी को लेके आज फिर हमने ये एक जो है रैंडम सैंपलिंग के लिए कुछ लोगों के नाम इनरोल्ड किए हैं जिनकी ये सैंपलिंग कल होनी है। उसी में ये इसमें जड़ा वाली से कुछ लोग भी लिए हैं जो वहाँ पे पोल्ट्री थी, पोल्ट्री शॉप वाले थे या करियाने वाले थे। तो इससे पहले भी हम 60 लोगों की जो है रैंडम सैंपलिंग सुनकोट से करवा चुके हैं और उन सब की तो रिपोर्ट भी आ गई हैं जिनमें से मोस्टली नेगेटिव ही हैं। उसी सिलसिले में कहीं ये कम्युनिटी स्प्रेड ना हो, इसी को लेके ये रैंडम सैंपलिंग का सिलसिला शुरू हुआ है। युवा जाट एकता संगठन की तरफ से भारतीय चीन शहीद हुए भारत सैनिकों में आरएसपुरा में आज श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर काफी संख्या में युवा मौजूद थे जिन्होंने शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। युवा जाट सभा आरएसपुरा के भाई इकट्ठे हो गए, अपने फौजी भाई जो शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए थे और हमने यहाँ प्रण लिया है कि हम जैसे हमारे फौजी भाई बॉर्डर पे चाइना के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम देश में रह के घर के अंदर रह के चाइना के खिलाफ लड़ेंगे। ठीक है जय। आज हमारे सभी भाइयों ने जो चाइना के द्वारा हमला किया था, जो हमारे भाई शहीद हुए थे, आज इनको उन भाइयों को हमारी जाट एकता क्लब की तरफ से श्रद्धांजलि दी गई है। भाई ये जाट एकता युवा क्लब वारसपुरा की तरफ से जो लद्दाख में अपने फौजी भाई अपने शहीद हुए हैं उनकी श्रद्धांजलि में आज सभी यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। तो हमने यहाँ पे एक प्रण लिया कि चाइना की जो भी बनाई हुई चीज़ें हैं वो सब हम उनको बहिष्कार छोड़ देंगे। वो भारतीय जनता पार्टी आरएसपुरा जिला अतिरिक्त जिला प्रचार सचिव सनी महाजन की अध्यक्षता में आज भारत चीन बॉर्डर पर शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि दी गई। ब्लॉक से सतवारी के गांव खवासका के नायब सरपंच प्रवीण कुमार ने वीरवार को पीर बाबा के मजार पर चादर चढ़ाकर भारत चीन बॉर्डर पर शहीद हुए सेना के जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की और दो मिनट का मौन रखकर शहीदों की आत्मा की शांति हेतु प्रार्थना की। जय हिंद। मैं नायब सरपंच प्रवीण कुमार, दड़ पंचायत ब्लॉक सतवारी। आज हमने पीर बाबा के मजार पे शहीदों की याद में जो चादर चढ़ाई है उनकी आत्मा की शांति के लिए मैं दुआ करता हूँ कि पीर बाबा उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे